क्या आप भी अपने मोटापे से परेशान हैं? सिल्क और कॉटन की साड़ी पहनते हैं, बहुत फूली फूली और मोटे लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए साड़ी पहनने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिसमें कि आप बिल्कुल स्लिम फिट और लंबे दिखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, आज जो मैं साड़ी पहन रही हूँ शेप वेयर के साथ पहन रही हूँ, क्योंकि इससे साड़ी की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ये मीशो कार्ड पर बहुत आसानी से 300-400 रुपए का मिल जाता है। तो अगर आप बाय कर पाए तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए ना कि जो आप पेटीकोट पहन रहे हैं वो फिटेड हो। बहुत ज्यादा लूज पेटीकोट जब पहनते हैं ना तो साड़ी फुली फुली लगती है और कमर के पास भी चुन्नटें ज्यादा पड़ जाती हैं, जिससे कि ज्यादा मोटे लगते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए, ये मैंने सिल्क की सॉफ्ट फैब्रिक की जो साड़ी होती है वो ले ली है और सिंपली इसको देखिए बेली बटन के राइट साइड से टक किया, फ्लोर लेंथ तक पहले नीचे साड़ी कर ली, उसके बाद जितना ऊपर फैब्रिक बचा उसे सिंपली देखिए टक करते हुए पीछे से करते हुए आगे तक ले आई। फिर से देख सकते हैं और अभी देख सकते हैं इस तरीके से पल्लू में रफली प्लीट्स बनाकर फिर से हम देखिए इसे पीछे से आगे की तरफ ले आएंगे, क्योंकि पल्लू हमें जो है लेफ्ट शोल्डर पर रखना है। और अभी देखिए पल्लू को इस तरीके से फैलाकर लेफ्ट हैंड से ही देखिए मैंने इस तरीके से देख सकते हैं छोटी छोटी प्लीट्स बना ली हैं। और लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि ये शेप वेयर कंफर्टेबल रहता है या नहीं, तो जी हाँ फ्रेंड्स कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मैंने तो 2-3 दिन लगातार पहनकर 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोज़ बनाई, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए पल्लू की प्लीट्स को शेक करके थोड़ा सा अरेंज करके सबसे नीचे मैंने पिन लगा ली है, उसके बाद देखिए दूसरे हाथ से मैंने पल्लू की प्लीट्स को ऊपर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से देख सकते हैं क्लियरली दिखाया जा रहा है, हाथों से ही अच्छे से पल्लू की प्लीट्स को अरेंज करके हम प्रेस करते जा रहे हैं। थोड़ी दूर की गैप पर फिर से हम प्लीट्स को अरेंज करके पिन लगा लेंगे, जिससे कि प्लीट्स अच्छे से अरेंज हो जाए, बाद में आप ये प्लीट्स खोल भी सकते हैं एक बार अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने फिर से पिन लगा ली और फिर से देखिए सारी प्लीट्स को पकड़ते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से हम प्रेस करेंगे और पीछे की तरफ मतलब शोल्डर पर पीछे की तरफ पल्लू को डालते जाएंगे और आगे पल्लू की प्लीट्स को देख सकते हैं इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से प्लीट्स अरेंज हो जाती हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप चाहें ना तो इसे प्रेस करके भी, जो प्रेस होता है ना, तो सिंपली उससे प्रेस करके भी अरेंज कर सकते हैं पल्लू की प्लीट्स को। तो यहाँ पर देखिए मैंने पल्लू की लेंथ को नी लेंथ से थोड़ा सा लंबा रखा है, उसके बाद शोल्डर पर पीछे की तरफ पिन लगा ली है और फिर से देखिए पल्लू की प्लीट्स को अरेंज करते हुए हम साड़ी का फैब्रिक इस तरीके से आगे ले आएंगे। देख सकते हैं वीडियो में क्लियरली दिखाया जा रहा है। और देखिए अभी हमें क्या करना है, ये साड़ी के फैब्रिक को इस तरीके से हम थोड़ा सा खींचते हुए, बहुत ज़्यादा टाइटली हम नहीं खींचेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खींचते हुए हम देख सकते हैं अपने राइट नी पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे, देख सकते हैं। और ये जो वह साड़ी थी ना, इसके बॉर्डर में पता नहीं क्यों पिन लगने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए ये पिन लगा ली है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर फिर से मैंने, ये देख सकते हैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया, उसके बाद फिर से मैंने लेफ्ट हैंड से ही अपनी प्लीट्स बनाना शुरू किया है। आप चाहें तो राइट हैंड से भी बना सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हों, पर मैं इसी हाथ से बना पाती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्रॉड प्लीट्स बनाई हैं और देखिए प्लीट्स बहुत कम बनी भी हैं, क्योंकि ये साड़ी बहुत पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, उस समय साड़ियों में लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी कम आती थी इस वजह से। तो यहाँ पर 4 ही प्लीट्स बनी है, देख सकते हैं। तो ऊपर वाली जो प्लीट थी ना उसे खोल कर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें अरेंज कर लिया है। उसके बाद अभी देखिए इन जो प्लीट्स हमने बनाई है ना, इनमें हम अभी ऐसे ही रफली एक पिन लगा देंगे, देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये फैब्रिक छोड़ा था ना, सिंपली देखिए इसमें 2 से 3 प्लीट बनाकर खींचते हुए देख सकते हैं इस तरीके से राइट की तरफ, बेली बटन के राइट की तरफ देख सकते हैं, सिंपली इसे टक कर देंगे। देख वीडियो में क्लियरली दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से साइड का जो ये साड़ी का हिस्सा होता है ना, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, 2-3 प्लीट्स बन जाती हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने सेंटर प्लीट पे पिन लगाई थी उसे खोलकर देख सकते हैं, सिंपली हम इसे टक कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपकी प्लीट सेट हो गई है, मतलब ये साइड का फैब्रिक सेट हो गया है। अभी देखिए ऊपर की तरफ की प्लीट अरेंज करते हुए हम जो है इसमें एक पिन लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं पिन लगा रही थी ना, जैसा कि मैंने बताया, पता नहीं क्यों साड़ी के बॉर्डर के फैब्रिक में ना पिन जा ही नहीं रही थी, कोई भी पिन नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं पिन लगा रही थी ना, तो बॉर्डर का फैब्रिक भी था, तो देखिए पिन ही टेढ़ी हो गई, मतलब बॉर्डर के फैब्रिक में पता नहीं क्यों पिन नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए पिन टेढ़ी हो गई, तो फिर मैंने पिन नहीं लगाई। आप कोई भी यहाँ पर पिन लगा लीजिए जिससे कि ऊपर की तरफ की प्लीट्स अरेंज हो जाए। फिर क्या करना है, नीचे देख सकते हैं इस तरीके से सारी प्लीट्स को पकड़ कर, मतलब ऊपर से ही पहले प्रेस करते हुए ले आएंगे नीचे तक, फिर सारी
नीचे सारी प्लीट्स को पकड़कर इस तरीके से हम बस हाथों से ही प्रेस कर देंगे और खुद से ही आपकी साड़ी अच्छे से अरेंज हो जाएगी, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से साड़ी अरेंज हो गई है। फिर से पल्लू की प्लीट्स को हम सेट कर देंगे और देख सकते हैं बिना किसी के हेल्प के ही कितनी आसानी से आपने साड़ी पहन ली, जिसमें कि आपका लुक बिल्कुल स्लिम फिट और लंबा लग रहा है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।